असंभव को भी जो संभव कर दे वो एक में देवता है श्री हनुमंत लाल। उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वो दूसरे को वही देता है। फर्स्ट है, प्रथम है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अगर आपकी अफसर से जान पहचान है काम नहीं आएगा, अगर आपकी चौकीदार से पीए से थोड़ी जान पहचान है वो चाहे जितने व्यस्त तो पीए कह देगा सर अभी वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये आप सब जानते हैं, ये व्यवहारिक तौर पे हम लोग देखते हैं, आप सब जानते हो, जल्दी भेंट करा देगा। ऐसे ही श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता है कि वो भगवान की जल्दी से भेंट करा देते हैं। विभीषण जी को कराई है, सुग्रीव जी को कराई है, और विरह में डूबे हुए भरत जी को हनुमान जी ने जब लंका से वापस जा रहे थे वो भी भेंट कराई है। हनुमान जी नहीं तो काहे के भगवान आने वाले हैं, वो तो अग्नि में दाह संस्कार करना चाह रहे थे चिता में बैठकर। तो जिसको भी मिले हैं, और मैं चाहता हूँ आपको और हमको भी मिलेंगे तो भगवान से हनुमान जी महाराज की कृपा से ही मिलेंगे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। दूसरा, लोग ये चाहते हैं कि हमें भगवान के साथ भोग भी मिले, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं, बिना पैसे के तो हमने बाप का भी गुणगान ना करें। हाँ, बहुत सारे भक्तों के सवाल भी होता है कि हनुमान चालीसा है कि जो दायक फलचार, इन चारों पुरुषार्थों का संतुलन अगर नहीं बैठता जीवन में जी, तब भी व्यक्ति का जो मन है वो पूरी तरह से शांत चित्त होकर के कहीं लगता नहीं है। बिल्कुल, देखो शांत चित्त तो उसका होता है जिसका मन शांत हो, और मन शांत उसका होता है जिसके जीवन में उपासना हो, और उपासना की जो प्रतिमूर्ति वो श्री हनुमान जी हैं। अच्छा, उपासना के देवता हैं वो, जिन्होंने अपना सारा जीवन भक्ति की खोज में लगा दिया। सीता जी भक्ति की प्रतीक हैं, शुद्धि की प्रतीक है, शांति की प्रतीक है, और सारा जीवन श्री हनुमान जी ने उनकी सेवा में खपाया है। लोग कह देते हैं कि माताओं को हनुमान जी का भजन नहीं करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों? कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भई सदग्रंथ। लोग अपने व्यवहार से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के अपने अनुकूल चलना चाहते हैं। जैसे मैंने भी कहा था कि 12 बजे रात्रि के एएम ये कौन सा समय है भैया? 12 बजे के क्या हमारा कोई मान्य थोड़ी है। हमारा तो जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूर्य नारायण भगवान उदय हो जाते हैं तब शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम सब 12 बजे मान लेते हैं कि 12 बजे वाला सिस्टम हमारा, कि 12 बजे के बाद बदल गया, दिन बदल गया, ये हमारा नहीं है। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज, स्त्री पुरुष कोई भी हनुमान जी की उपासना कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आपको छोटा सा दृष्टांत दूं। जी जी बिल्कुल। ये बनारस की घटना है। एक मच्छर सा लड़का था, बिल्कुल पतला सा, बहुत सीधा सा। तो उसने क्या किया, बेचारा गांव से बाहर जाए, स्कूल जाए, स्कूल से आके फिर अपना घर का जो भी कार्य होता वो कार्य करता था। लेकिन सब उसकी मजाक लेते थे, अरे बोले तो तू पतला सा है, फूक मारे तो उड़ जाए, अभी दम निकल जाए तेरा, इतना कमजोर सा है। अब ये बड़ा परेशान, क्लास में भी, कॉलोनी में भी, घर में भी, सब इसका वो करे। तो एक आदमी था जो उसकी बहुत उपहास किया करता था, बहुत हंसी उड़ाता था इसकी। तो उन्होंने कहा कि अब तेरे बस की कुछ नहीं है। अच्छा, तो मच्छर सा है। अब ये जो था हनुमान जी की पूजा किया करता था, बहुत मानता था हनुमान जी को। हनुमान जी एक दिन प्रसन्न हो गए, और वो तो दीनदयाल है, कभी भी किसी के जीवन में प्रकट हो सकते हैं। तो बोले क्या चाहिए आपको? बोले हनुमान जी मुझे आपसे बल चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा बल? बोले जितना बल आप में मेरे में उतना बल दीजिए। हनुमान जी ने कहा भैया संभालेगा मेरा बल? मेरे एक बाल के रुए का ही बल संभाले तो मैं समझ जाऊं। तो बोले नहीं मुझे बल दीजिए। तो हनुमान जी ने एक बाल निकाला और फेंक दिया शरीर में। बोले महाराज मेरा तो शरीर फट जाएगा, ऐसा बल लगना मुझे। बोले चल तेरा जगत में काम होगा, कल्याण होगा। अभी गया, जैसे गया था बनारस की घटना की, एक बहुत बड़ा विशाल एक पर वो क्या बोलते हैं पत्थर होता ना, बहुत बड़ा सा शिला होती जैसे, तो वहां पड़ी थी। अब ये जा रहा तो एक आदमी लेटा था। बोले मच्छर कहाँ जा रहा है? बोले अब मत बोलिए मच्छर मुझे, इसको क्या करना? बोले इसे ले, अभी उठा के वहां डाल देता हूँ इसको। इसने वो पत्थर लिया और ऐसे करा, अब वो तो डर गया। अब वो व्यक्ति तो था नहीं, हनुमान जी का तेज इसके अंदर आ गया, आशीर्वाद इसको मिल गया। अब सारे में इसकी चर्चा होने लगी कि भाई वो जो कमजोर सा था, घर वाले जो किसी से काम ना होता वो ये करने लगे।
जो काशी के राजा थे उनके पास गई बात, उसने आधा धन दिया, इसकी विवाह कराया, लेकिन हनुमान जी के आदेश से विवाह तो इसने किया, लेकिन कहा प्रभु मुझे तुम चाहिए, मुझे और, अरे आपकी कृपा से जो दुनिया मेरा उपहास करती थी और आज वो मेरा आदर कर रही केवल आपकी कृपा से, और मैंने कुछ नहीं किया है, केवल मैं हनुमान चालीसा का गायन किया करता था। तो इस सिद्ध मंत्र है श्री हनुमान चालीसा, जिसको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और ये हम सब का अनुभव भी है, चाहे लाख चौराहे पर पैर आ जाए, कुछ भी हो जाए, टोटका हो जाए, कोई गड़बड़ करा दे, हनुमान जी का आप स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा आपने जेब में रखिए, वो नहीं अपने दिमाग में रखिए, अगर दिमाग में भी नहीं रख सकते, कहते नहीं हम तो उल्टा सीधा खा पी लेते हैं, तो कृपया अपने कक्ष में जहाँ रहते हैं वहां तकिए के सिनारे रखिए, जो उल्टा सीधा खाते पीते हो उससे भी बच जाओगे आप, ऐसे श्री हनुमान जी हैं। कलयुग के जागृत देवता श्री हनुमान जी, और एक है श्री गंगा जी। गंगा जी में ऐसी सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा पापी कोई भी हो, 400 कोस दूर भी अगर नाम ले दे उसके पाप छे हो जाते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी हैं। कोई देवता कोई भी हो जल्दी से प्रकट नहीं होगा, हनुमान जी को आप केवल चार चौपाई सुना दीजिए, जहां राम कथा चलती है आज भी श्री हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं उसको, जिसके नेत्रों में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होगी उसको, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा महाराज जी, आमतौर पर भक्तों एक सवाल होता है, जैसे बहुत सारे भक्त लोग कर्म कांड के विधि विधान में थोड़े उलझ से जाते हैं जी, कई बार उन्हें लगता है कि हमने इस भगवान की पूजा की कोई वो छूट ना गए हो जी, इन्हें हमने पुकारा कहीं वो नाराज ना हो जाए जी, और देवता चित्त न धरई हनुमत सही सर्व सुख करई कहा गया है, तो क्या ये माना जाए कि हनुमान जी की एकमात्र पूजा अगर कर ली जाए तो समस्त देव और देवी शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं, कैसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, मैंने अभी पूर्व में भी निवेदन किया था कि इन एक व्यसन है, जैसे आप जानते हैं कोई कुछ उल्टी सी चीज खा पीते हैं, और कई लोग तो ये बोलते हैं कि महाराज जो बोतल काम करवा देती है वो कई बार पैसा नहीं कर, गड्डी फेंक दो वो नहीं कराते, कोई भी हो, अब व्यसन जिसको हो उसका व्यसन पूरा करा दो, फिर जिससे उससे जो मर्जी करा लो, ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, उनको व्यसन है श्री राम कथा सुनने का, आप उनको भगवान का नाम सुना दीजिए, चार चौपाई भगवान की सुना दीजिए, फिर जो चाहे सो काम करा लीजिए, ये अनुभव है अपना, हम क्या करते, हम कुछ करते थोड़ी है, केवल हनुमान जी को तो कथा सुनाते हैं भगवान की, और देखिए कितनी कृपा बरसती है, आप सब लोग जानते हैं, तो एक में श्री हनुमान जी कृपा है, ऐसे कोई नहीं, एक साधे सब सधे, एक को साधो सब सधे।